हम हैं और हम यमुनोत्री में हैं और हम फर्स्ट स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। यस यस। फिर से आपके चैनल कनेक्शन लॉस्ट एफयूवी में आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भगवान शिव के एक ऐतिहासिक मंदिर में जो कि पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था और माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर में 100,000 शिवलिंगों की स्थापना की थी। तो गाइस गेस करके बता दीजिए अगर आप समझ गए कि कहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आज, और अगर नहीं समझे तो कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं भी जाने के लिए पैकिंग तो करनी ही पड़ती है, तो पैकिंग मेरी निपट चुकी है, ये सामान पैक हो चुका है, बहुत सारा सामान है, खाने पीने से लेके कपड़े से लेके सब चीज़ों का। 2-3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरे साथ इस जर्नी में साथ में होगा सिद्धार्थ, जिससे आप मिले होंगे नेलोंग वाले ट्रिप में। गाइस पहुंच गए हमारे नया सितारे, नया सितारा, नई उड़ान आज हमारी। भाई पहुंच गए हैं, वी आर रेडी फॉर द ट्रिप। और देखिए पहले भी ट्रिप पे मिले थे और अभी भी आज मिल रहे हैं, ट्रिप पे मिल रहे हैं सीधा और निकल रहे हैं नई जर्नी पे। इस बार आपको बहुत ही अच्छी जगह के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं क्या हो रहा है। रुक जा अभी एक और बैग है यार, बैग बहुत सारे अभी बैग अंदर रखे हुए, अभी लाता हूँ। 2 घंटे बाद सी यू इन मसूरी। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं कैम्प्टी फॉल, और कैम्प्टी फॉल का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे है वहाँ पे कैम्प्टी फॉल। बज गए हैं 5 और थोड़ा लेट हो रहा था तो इसलिए हमने लाखामंडल का प्लान थोड़ा स्विच कर दिया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यमुनोत्री की तरफ क्योंकि शाम होने वाली है, और अगर लाखामंडल जाते तो थोड़ा टाइम लग जाता, बेटर है कि अभी हम यमुनोत्री की तरफ जाएं। और फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं खाना खाने के लिए। तो ये बॉटल में मैंने रखे थे ओट्स और सत्तू मिक्स कर दिया था गर्म पानी के साथ। पीछे हम रुके थे शॉप पर चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर मैंने गर्म पानी करवा के इसमें भर लिया था सारा सामान। तो ऑलमोस्ट ये 10-15 मिनट हो गए हैं पानी में सोक करे हुए, तो हो गया होगा, पक गया होगा, रेडी हो गया होगा। जैसे खाते हैं फटाफट और यहाँ से निकलते हैं फिर आगे यमुनोत्री बेस के लिए, और फिर कल यमुनोत्री का ट्रैक करके फिर जब हम वापस आएंगे तो वापसी में लाखामंडल होते हुए आएंगे। दिखने में कुछ खास नहीं है, बट ट्रैवल के टाइम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, ईजिली बन भी जाता है। और फटाफट से खा के हम निकले आगे बड़कोट की तरफ। यहाँ से अभी 43 किलोमीटर है जानकी चट्टी, और अराउंड 2 घंटे हमें लग जाएंगे अभी वहाँ पहुँचने में। हम सोच रहे हैं कि आज हम वहीं तक जाएं और ताकि कल के लिए हमारे इजी रहे, डायरेक्ट हम ट्रैक स्टार्ट करें, ड्राइव ना करना पड़े।